हेलो गाइस, आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल पीताम। आज हम दिखाएंगे एक बल्ब को थ्री जगह से ऑपरेट कैसे करते हैं। ऑपरेट करने के लिए थ्री टू ए स्विच ले लिया। अब हम क्या करेंगे, टू ए स्विच का थ्री टर्मिनल्स होता है। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर टू ए स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट कर देंगे, अच्छी से टाइट कर देंगे, और एक नंबर टू ए स्विच का मिडिल वाले टर्मिनल पे भी एक वायर कनेक्ट कर देंगे। और एक नंबर टू ए स्विच का नीचे वाले टर्मिनल पे भी, मतलब थ्री टर्मिनल्स पे हम एक एक करके वायर कनेक्ट कर देंगे। अब दो नंबर टू ए स्विच को वैसे ही एक एक करके कनेक्ट कर देंगे, मतलब एक नंबर और दो नंबर आपस में कनेक्ट रहेगा। ऊपर वाले टर्मिनल एक नंबर और दो नंबर स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, और दो नंबर और एक नंबर मिडिल वाले सेंटर वाले टर्मिनल पर भी कनेक्ट कर दिया, और एक नंबर और दो नंबर टू ए स्विच का नीचे वाले टर्मिनल पर भी कनेक्ट कर दिया। बस अब हम क्या करेंगे, और एक टू ए स्विच ले लेंगे। टू ए स्विच का ऊपर वाले नीचे वाले टर्मिनल और ऊपर वाले टर्मिनल पे एक दोनों वायर कनेक्ट कर देंगे, सेंटर वाले टर्मिनल को छोड़ देंगे। सेंट्रल वाले टर्मिनल को छोड़ देंगे। अब हम ब्लैक वाले टू ए स्विच का, मतलब दो नंबर टू ए स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल और नीचे वाले टर्मिनल पे दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। और एक बात तो गाइस, मैं यूट्यूब पर नया वीडियो बना रही हूँ, शायद आपको पसंद ना आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छे से टाइट कर देंगे। स्विच को तो मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया। अब हम एक बल्ब होल्डर लेंगे। बल्ब होल्डर की दोनों टर्मिनल होता है, एक इनपुट फेस के लिए और एक इनपुट न्यूट्रल के लिए। बल्ब होल्डर की एक टर्मिनल तीन नंबर टू ए स्विच का मिडिल वाले टर्मिनल, मतलब सेंट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, और एक टर्मिनल को छोड़ देंगे, इसमें हम न्यूट्रल देंगे। एक टू पिन जैक ले लिया, मैंने पहले से ही टू पिन जैक को कनेक्ट कर लिया, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए इसलिए। रेड वाली वायर को, मतलब फेज एक नंबर टू ए स्विच का मिडिल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, मतलब देंगे फेज देंगे। अब और एक वायर को, मतलब इसमें हम न्यूट्रल देंगे। बल्ब होल्डर की एक टर्मिनल और न्यूट्रल वाली एक टर्मिनल को आपस में जोड़ देंगे। अच्छे से टेप कर देंगे। एक 100 वाट की लैंप लगा लिया मैंने। अब हम सप्लाई देके देखेंगे हमारा कनेक्शन सही से ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।